आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये सुंदरकांड का हमारा 8वां भाग है। 7वीं भाग के आखिरी तक हमने आपको ये बताया था कि किस तरह हनुमान जी ने लंका दहन किया और सीता जी की निशानी चूड़ामणि लेकर लंका से निकलते हैं। इस वीडियो में आपको समुद्र के इस पार आना, मधुवन में प्रवेश और सुग्रीव मिलन और श्री राम हनुमान संवाद जो होता है वो हम विशेष रूप से आपको बताएंगे। देखिए, सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। और सुंदर कांड की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप कहीं से भी सुने आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप कहीं से भी पढ़ें आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं श्री राम जी का नाम लेकर। चौपाई है, चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भ अस्त्रवहिम सुन निश्चर नारी, नाद सिंधु एही पार ही आवा, सबद किले किला कपिना सुनावा। इसका भावार्थ है कि चलते समय, मतलब श्रीलंका से चलते समय, लंका से चलते समय उन्हें महाध्वनि से भारी गर्जन किया जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्हें वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाए। किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि को कहते हैं। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिना तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराचा, किन हेसी रामचंद्र कर काजा। इसका भावार्थ है कि हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। उसी से सब लोग समझ गए कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मिन पाव जिमि बारी, चले हरसी रघुनायक पासा, पुंछत कहत नवल इतिहासा। सब लोग हनुमान जी से मिलते हैं और सब लोग बहुत सुखी होते हैं, वैसे ही जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते हैं, वहाँ की जो कहानी है वृतांत पूछते हैं और पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चलते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सन्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए, मतलब मधु और फल। जब रखवाले बरजने लगे तब घुसू की मार मारते ही सब रखवाले भाग चुके। उसके बाद का दोहा है, जाई पुकारे ते सब बन उजार, जुबराज सुने सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। अगला चौपाई है, जौन होती सीता सुतिपाई, मधुबन के फल सकहीं की काई, इही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाचार। इसका अर्थ है, यदि सीता जी की व्यथा नहीं पाई होती तो क्या यो मधुबन के फल खा सकते थे? यदि सीता जी की व्यथा नहीं पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए, सारे के सारे वानर वहां पे आते हैं। आई सबनी नावा पद सीसा, मेले उ सबनी अति प्रेम कपीसा, पुंछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सब लोग आकर सुग्रीव के चरणों में शरण आते हैं। अभी सुग्रीव राजा थे,
क्योंकि बाली मारा जा चुका था। तो कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम पूर्वक मिलते हैं, सबसे कुशलता पूछते हैं और तब बानरो उत्तर देते हैं कि आपके चरण के दर्शन से सब कुशल है, श्री राम की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज किन हनुमाना, राख सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुरे ते ही मिले हु, कपिन सहित रघुपति पही चले। कहते कि हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटिक शिला बैठे द्रो भाई, परे सकल कपिचरण ही जाई। श्री राम जी जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। और उसके बाद का दोहा है, प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, कुछ कुशल नाथ अब कुशल दे की पद कुंज। इसका भावार्थ है, दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी, और वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। अगला चौपाई है, जामवंत कह सुन रघुराया, जा प्रणात करहु तुमिदाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता ही मिलती है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु किम कृपा भयु सबुकाचू, जन्म हमार सुफल ना आजू। भावार्थ, यही विजयी है, यही विनयी है और वही गुणों का समुन्द्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की नहीं जो करनी, सहस हूं मुख न जाई सुबरणी, पवन तनय के चरित सुहाए, जाम वंद रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका हजारों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए कि उन्होंने क्या क्या किया वहां पर। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष लिए लाए, कहु तात के ही भतिया, केहु तात के ही भति जानकी, रहती करिति रक्षा सुप्राण की। सारा सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगता है सारी बातें। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम पहारो दिवस निसि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज जंत्रित चाही प्राण के ही बाट। हनुमान जी कहते हैं आपका नाम दिन रात पहरा देने वाले हैं, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चुड़ामणि दिन्ही, रघुपति हृदय लाए सोइलिन्ही, नाथ चुकल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चुड़ामणि उतार कर दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी फिर कहते कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गही हूं प्रभु चरणा, दिन बंधु प्रंतारति हरणा, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, किहम अपराध नाथ हों त्यागी। छोटे भाई समेत, इसका भावार्थ है छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दिन बंधु हैं।
शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूं। फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछरुत प्राण न किन्ह पयाना, नात सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करें हटी पाता। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु ये नात, ये तो नेत्र का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हट पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रव ही चलो निज हित लागी, जरै न पाव देह बेरहागी। विरह अग्नि शरीर रूई है और श्वास पवन है, इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में चल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर आंसू बरसाते हैं, जिसे विरह की आग से भी देह चल नहीं पाती है। सीता के अति विपत्ति विशाला, भी नहीं कहे भली दिन दयाला। भावार्थ है, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, तो हे दिन दयालु, हनुमान जी कहते हैं हे दिन दयालु, तुम बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। अगला दोहा है, निमिष निमिष करुणा नेति जाही, कलप संबीती बेग चले प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयाना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम्मति जाही, सपने हूँ भुजी विपत्ति की हिताई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वो कहते हैं कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिप रीति आनी भी जान की। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है, मतलब विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपीह तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो को तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। श्री राम जी चंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है, मैं तेरा प्रति उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तो ही उरण मैं नाही, देखो करु विचार मन माही, पुनि पुनि कपही जितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में बहुत विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उड़ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन बिलोक के मुख गात, हरसि हनुमंत चरण परेव प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर कहते कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, और कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तही उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपी कैसीसा, सुमरी सोदसा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है, उठना ही नहीं चाहते हैं प्रभु जी के चरणों से। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेममग्न हो जाते हैं। सावधान मन करिपुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगते हैं। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ अत्यंत निकट बिठा लिया।
कहु कपिराव नेपालित लंका कहीं विदिदेव दुर्ग अतिबंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। बोलते हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े माँ के किले को तुमने किस तरह चलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोलते हैं। साखा मग के बाड़ी मनुसाई साखा ते साखा परचाई नादि सिंधु हटक पुरजारा निसिर कर बधी विपिन उचारा। भावार्थ है कि बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर चलाया है और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, वो सब तब प्रताप रघुराई नाथु न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो हे शिवनाथ जी आप ही का प्रताप है, हे नाथ इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सब आप ही की कृपा है। ता काहूं प्रभु कछु अंगम जहिन जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वान लही जाड़ी सकल खलतूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो, हनुमान जी कह रहे हैं उसके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, मतलब जो स्वयं बहुत जल्दी जवाई वस्तु है वो भी दूसरे को जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायिनी सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी एव मस्तु तब कहु भवानी। बोलते हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु ऐसा ही उगा। उमा राम सुभाव जही जाना ताई भजन उतज भाव न आना यह संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्रीनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुखकंदा तब रघुपति कपि पत ही सुलावा कहा चले कर करहूं बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो श्री रामचंद्र जी की। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे तुरंत कपिन का आयु सिदीचे कौतुक दे कि सुमन बहु बरसी नभते भवन चले सुरहर्षी। उसका भावार्थ है कि अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने रोग को चलते हैं। यहाँ तक मैं अपना समाप्त करता हूँ और इसके बाद मैं सुंदरकांड के अगले अध्याय जो हमारा 9वां अध्याय होगा उसमें श्री राम जी के वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर जो पहुँचना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।